गुड मॉर्निंग क्लास फोर. टुडे वी विल स्टडी लेसन 54 हेल्थ वाइज. यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स दिया हुआ है. कुछ शरीर के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो उन्हें आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है. राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. है यू विल गेट समथिंग अबाउट हेल्थ. सी नंबर वन, कैल्शियम कीप्स आर बोन्स हेल्दी. कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स को हेल्दी रखती हैं, यानी स्वस्थ रखती हैं. तो ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स? ये ट्रू है. द डर्ट इन योर नेल्स हेल्प यू टू स्टे हेल्दी. यानी जो डर्ट होती है, डर्ट यानी जो गंदगी होती है इन योर नेल्स, हमारे नाखूनों में, हेल्प यू टू स्टे हेल्दी. क्या वो हमें स्वस्थ रखती हैं? नो, फॉल्स. While working at the computer, कंप्यूटर पे काम करते वक्त, one's head should be at least 50 centimeters away from the screen. यानी कंप्यूटर पे काम करते वक्त एक आदमी का सर, यानी उसकी आंखें 50 सेंटीमीटर, कम से कम उसका सिर 50 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए कंप्यूटर की स्क्रीन से. जैसे देखो, कुछ लोग फ़ोन चलाते हैं या फिर फ़ोन चलाते हैं या फिर कंप्यूटर चलाते हैं, तो किस तरीके से उसी में घुस के बिल्कुल चलाते हैं ना. तो हमेशा किसी की भी स्क्रीन, चाहे फ़ोन की स्क्रीन हो या कंप्यूटर की स्क्रीन हो, हमेशा 50 सेंटीमीटर कम से कम दूरी बना के उसके बाद स्क्रीन देखनी चाहिए. तो ये क्या है? ट्रू है. नंबर फोर, स्ट्रेस कैन लीड टू डिप्रेशन. यानी स्ट्रेस की वजह से, थकान, टेंशन की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, यानी कोई और प्रॉब्लम हो सकती है डिप्रेशन की, है ना, सर भारी होना. तो कह रहा है स्ट्रेस, जब आप थके रहोगे तो आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी, यानी सर भारी होना, दर्द होना, इस तरीके से. तो ये क्या है? ये ट्रू है. इसीलिए कहते हैं स्ट्रेस मत होने दिया करिए, एक प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, है ना. नंबर फाइव, लिसनिंग टू स्पिरिचुअल म्यूजिक रेगुलरली. स्पिरिचुअल म्यूजिक यानी भक्ति भरे गाने, अच्छे सॉन्ग सुनने से क्या होता है, इज़ अ गुड थेरेपी. ये एक बहुत ही अच्छी थेरेपी की तरह होती है, मतलब मन शांत रहता है, दिमाग स्वस्थ रहता है, इस तरीके से ये भी एक थेरेपी है कि स्पिरिचुअल म्यूजिक जो है वो रोज सुनना एक अच्छी थेरेपी है. तो ये क्या है? ट्रू. नंबर सिक्स, वैक्स इन द ईयर इज हार्मफुल. यानी वैक्स कानों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है. तो ये क्या है? ट्रू. नंबर सेवन, द करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग इज बाई यूजिंग हॉरिजोंटल स्ट्रोक. यानी करेक्ट वे ब्रश करने का क्या होता है? हॉरिजोंटल स्ट्रोक्स. यानी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके, मतलब वर्टिकल वे में हम लोग ब्रश करते हैं ना, तो वर्टिकल वे में कभी भी ब्रश नहीं करना चाहिए, हमेशा हॉरिजोंटल वे में करना चाहिए, यानी अप एंड डाउन करके हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में ब्रशिंग करनी चाहिए. नेक्स्ट नंबर एट, ईटिंग हेल्दी फूड कैन कॉज ओबेसिटी. यानी कह रहा है कि हेल्दी खाना खाने से, स्वस्थ खाना खाने से शरीर पे मोटापा होता है. तो ये क्या है? ट्रू है, फॉल्स है. ये हेल्दी खाना खाने से हम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ खाना, अच्छा खाना, अच्छी डाइट लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें ओबेसिटी नहीं होती, यानी मोटापा नहीं होता है. नंबर नाइन, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. ये तो हर जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिखा रहता है ना, उसके पैकेट पे भी लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. यानी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात होती है स्मोकिंग करना. तो ये क्या है? ट्रू है. स्वेटिंग हेल्प्स टू रेगुलेट आर बॉडी टेम्परेचर. यानी स्वेटिंग, स्वेटिंग यानी जो हमारे शरीर में पसीना आता है, तो कह रहा है कि जो पसीना आता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को ठीक करता है, सही तरीके से काम, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर, पसीना जब आता है तो ठीक तरीके से काम करता है. तो पसीना जो है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है. तो ये क्या है? ट्रू है. नेक्स्ट नंबर 11, देयर इज नो हार्म इन skipping breakfast and one can compensate by eating a heavy dinner. कह रहा है कि there is no harm, कोई भी नुकसान नहीं है in skipping. skipping यानी छोड़ना. अगर हम छोड़ देते हैं breakfast और अगर हम उसकी जगह
कंपनसेट यानी उसकी जगह हम हैवी डिनर करते हैं। ये पता है कि नहीं, ब्रेकफास्ट हमेशा करना चाहिए, क्योंकि जो मॉर्निंग का फूड होता है वो सबसे ज़्यादा शरीर को लगता है और एनर्जी गिविंग फूड होता है, हमारे शरीर को ताकत देता है दिन भर का काम करने के लिए। तो इसलिए कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए, यानी छोड़ना नहीं चाहिए, ब्रेकफास्ट हमेशा लो। ऐसा नहीं होता है कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, लंच नहीं किया और तुम डिनर में खूब सारा खा लो तो हो जाए, ऐसा नहीं होता है। शरीर को तीनों टाइम एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक टाइम में ही सारा खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर हम ब्रेकफास्ट छोड़ के और उसकी जगह हम रात में ज़्यादा खाना खा लें, डिनर के टाइम में हैवी डिनर कर ले, तो ये क्या है, ये फॉल्स है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 12, ईटिंग बनानास कैन लीड टू कॉमन कोल्ड, यानी कह रहा है कि बनाना खाने से सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये क्या सही है, फॉल्स, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन, नाउ वी विल स्टडी लेसन 55, चेक योर सेंसेस, कह रहा है अपने सेंसेस को जांचिए। देखो ईच ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ये जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ सेंटेंसेस दिए हैं, इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फाइव सेंसेस, जो फाइव सेंसेस होते हैं हमारे, तो कह रहा है कि वो हर एक सेंस से रिलेटेड है। हाउएवर वन सेंटेंस इन ईच ग्रुप इज डिफरेंट, हर एक सेंटेंस में कह रहा है एक अलग है, यानी एक एक कुछ डिफरेंट है, तो क्रॉस द ऑड वन आउट, जो डिफरेंट है उसे क्रॉस करना है। द स्नोफॉल इज ब्यूटिफुल टू लुक एट, यानी जो स्नोफॉल है वो बहुत ही प्यारा है देखने में, है ना। नंबर 2 कह रहा है द शाइनिंग हेडलाइट्स ऑफ द कार वर ब्लाइंडिंग, कह रहा है कि जो कार की जो हेडलाइट्स है वो इतनी तेज हैं कि बिल्कुल ब्लाइंडिंग, ऐसा लग रहा है कुछ दिखना बंद हो गया है। द साइट ऑफ अ पिज्ज़ा शॉप मेक्स मी फील हंग्री, यानी पिज़्ज़ा शॉप की तरफ देखता हूँ तो मुझे भूख लग जाती है। ये देखो, ये तीनों देखने के लिए दिया हुआ है ना, आइज के लिए तीनों चीज़ें दी हैं। द स्मेल ऑफ लेमन मेक्स माई माउथ वाटर, कह रहा है कि द स्मेल ऑफ लेमन, जो लेमन की खुशबू होती है, जो लेमन की महक होती है, उससे मेरे मुँह में पानी आ जाता है, तो ये डिफरेंट है ना, तो ये क्या होगा, ये ऑड है हमारा। नेक्स्ट नंबर 2, मीना इंजॉयज लिसनिंग टू म्यूजिक, मीना को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। राहुल सॉ अ कॉमेडी फिल्म लास्ट नाइट, राहुल ने लास्ट नाइट कॉमेडी फिल्म देखी। द अलार्म वोक मी अप, अलार्म ने यानी जो अलार्म उसने लगाई थी उसने उसे जगा दिया। आई हर्ड समवन शाउटिंग, मैंने किसी को चिल्लाते हुए सुना। अब देखो ये भी सुनने वाला है, ये भी सुनने वाला है, ये भी सुनने वाला है, इसने म्यूजिक सुना, फिर अलार्म सुनी, फिर किसी को चिल्लाते सुना, तो ये सब ईयर्स हैं सेंसेस, ठीक है। लेकिन ये वाला अलग है, राहुल सा अ कॉमेडी फिल्म लास्ट नाइट, राहुल ने कॉमेडी फिल्म देखी, तो क्या होगा हमारा ऑड वन कौन सा है, ये है ना, तो ये क्रॉस होगा। नाउ कम ऑन नंबर 3, आई हेल्ड अनूज हैंड टू चेक इफ शी हैड फीवर, मैंने अनु का हाथ पकड़ा ये देखने के लिए कि क्या उसे बुखार है। चीमन लाल्स वॉइस इज रेदर श्रिल, चीमन लाल की जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा तेज है। द रॉक इज रफ, जो पत्थर है वो रफ है। द फेदर वॉज सॉफ्ट, जो फेदर है, जो पंख है वो बहुत ही सॉफ्ट है, यानी रॉक इज रफ यानी हार्ड होता है रॉक, अब फेदर क्या है, फेदर सॉफ्ट है। अब ये देखो ये तीनों चीज़ें एक ही चीज डिनोट कर रही हैं, सबसे अलग क्या है इसमें, ये आई हेल्ड अनूज हैंड, मैंने अनु का हाथ पकड़ा ये देखने के लिए कि उसे बुखार है कि नहीं, ठीक है, तो ये क्या होगा ऑड वन, ये क्रॉस होगा। नाउ सी नंबर 4, द मेडिसिन वॉज बिटर, यानी जो मेडिसिन थी, जो दवाई थी, वो बहुत कड़वी थी। द जलेबी टेस्ट वेरी स्वीट, जलेबी बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, मीठी थी। द करी वॉज टेंजी, टेंजी यानी खट्टी थी कड़ी। द बर्थडे केक लुक्ड अट्रैक्टिव, अब देखो इसमें से सबसे अलग सेंटेंस, देखो तीनों टंग का टेस्ट बता रहे हैं ना, बिटर स्वीट एंड टेंजी, सबसे अलग क्या है, बर्थडे केक जो था वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था, आकर्षक था, तो क्या होगा
ये क्रॉस होगा क्योंकि ये ऑड वन है. नंबर 5, द स्मेल ऑफ द वेस्ट इज अनबियरेबल, यानी जो वेस्ट की स्मेल है, जो कूड़े कचड़े की स्मेल है, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, अनबियरेबल है, यानी बर्दाश्त के बाहर है. द येलो फील्ड्स आर अ डिलाइटफुल साइट, जो येलो फील्ड्स यानी जो येलो कलर की जो फील्ड, यानी जिसमें फ्लावर्स बहुत प्यारे हो गए हैं, उनकी साइट उन्हें देखना बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है. वॉट आई लाइक अबाउट कॉफ़ी इज इट्स एरोमा, मुझे कॉफ़ी में क्या अच्छा लगता है, उसका एरोमा. रोज फ्लावर्स हैव अ प्लीजेंट फ्रेग्रेंस, यानी जो रोज फ्लावर होता है, जो उसकी स्मेल होती है, वो क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है. नाउ सी, नंबर 1 वाले में भी ये स्मेल की बात कर रहा है कि जो वेस्ट की स्मेल है अनबियरेबल है ना. नंबर 3 वाले में भी ये स्मेल की बात कर रहा है कि कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, इट्स एरोमा यानी उसकी सुगंध, उसकी स्मेल. रोज फ्लावर की एक प्लीजेंट फ्रेग्रेंस यानी बहुत ही प्यारी सुगंध होती है. तो ये देखो, ये तीनों क्या दिखा रहा है, स्मेल के बारे में बता रहा है ना, लेकिन जो ये है ये कह रहा है कि येलो फील्ड्स आर अ डिलाइटफुल साइट, देखने में बहुत ही आकर्षक लगती हैं, तो ये डिफरेंट है ना. तो क्या करेंगे हम, इसको क्रॉस करेंगे. नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन, नाउ वी विल स्टडी लेसन 56, डाइनिंग इटिक्विट्स. इसका मतलब है डाइनिंग टेबल के शिष्टाचार, यानी जैसे हम लोग सब खाना खाते हैं ना, तो उसके भी तो कुछ रूल्स होते हैं ना कि किस तरीके से खाना चाहिए, उसके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ अच्छी हैबिट्स होती हैं खाना खाने की. तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि डाइनिंग टेबल की क्या हैबिट्स होती हैं. देर आर सर्टेन रूल्स टू फॉलो व्हाइल ईटिंग फूड, कई सारे रूल्स हैं खाना खाने के सही तरीके से. दे आर कॉल्ड टेबल मैनर्स, इन्हें क्या कहा जाता है, टेबल मैनर्स कहा जाता है ना. मिस्टर संतोष इज अ मेसी ईटर, मेसी ईटर यानी बहुत ही बुरे तरीके से वो खाना खाते हैं. इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड बींग लाइक हिम, अगर आप नहीं चाहते हो कि आप उनकी तरह बनो, यू कुड फॉलो दीज टिप्स, तो आप इन टिप्स को अपना सकते हो. अब देखो क्या क्या टिप्स दी हुई हैं. Always wash your hands before eating. हमेशा खाना खाने के पहले अपने hands wash करो अच्छे से. Next, when you sit down at a table together to eat, जब आप सबके साथ बैठते हो टेबल पे खाने के लिए, don't wolf down your food. यानी ये नहीं कि जल्दी से लेके खाने लग जाओ, as soon as you are served, कि किसी ने परोसा नहीं जल्दी से लेके खाने लग गए. Wait for others at the table to begin, यानी बाकी लोगों का भी इंतज़ार करो, सब एक साथ शुरू करते हैं खाना. तो एक अच्छे टेबल मैनर्स ये होते हैं कि जब आपको फूड मिले तो उसको पहले वेट करो कि जब सबको मिल जाए, फिर उसके बाद स्टार्ट करो साथ में. Eat slowly, धीरे खाओ, and chew with your mouth closed, चबा चबा के. ये तो पता है ना कि खाना स्लो और चबा चबा के खाना चाहिए, अपना मुंह बंद करके. नेवर ईट ओपनिंग योर माउथ, हमेशा माउथ क्लोज करके खाना खाया करिए. यू शुड नॉट हैव बिट्स एंड पीसेज ऑफ फूड स्टिकिंग टू योर चिन और चिक्स, यानी इस सलीके से खाना खाओ कि जो मतलब जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, जैसे कभी कभी कई लोग ऐसे खाना खाते हैं ना, पूरा मुंह पे चिन पे चिक पे लगा लेते हैं. तो प्रॉपर फूड खाइए कि मतलब वो आपके फेस पे कहीं भी ना चिपके, चिन चिक्स पे ना लगे, अच्छे से खाना खाना चाहिए. इफ़ यू आर यूजिंग नैपकिन्स एंड कटलरी, अगर आप नैपकिन या कटलरी, कटलरी यानी छुरी काटे का इस्तेमाल करते हो, Do not wave them around, यानी इधर से उधर उसको मत करो, एक ही जगह पे रहन दो, वो फूड के लिए, तो प्रॉपर उसे जब खाना खाओ तो तभी यूज़ करो, उसके साथ खेलो मत. If you are dining as a guest, अगर आप कहीं पे गेस्ट के रूप में आए हो और आप डाइनिंग टेबल पे हो, don't ever say, कभी भी ये मत कहो that the food is bad, कि खाना बुरा है या खराब है, अच्छा नहीं बना है. If you don't like it, अगर आपको वो नहीं पसंद आया, eat only a little, थोड़ा ही खाओ.
कभी भी ये पता है कि नहीं, कभी किसी दूसरे के घर जाओ तो खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आपको नहीं पसंद आया तो थोड़ा ही खाइए, लेकिन खा लीजिए। ऑलवेज टेक ओनली द क्वांटिटी ऑफ फूड यू कैन ईट, हमेशा उतना ही खाना लो जितना आप खा सकते हो। ट्राई एंड अवॉइड वेस्टेज, पूरी तरीके से मतलब वेस्ट करना अवॉइड करो कि मतलब जितना हो सके बचो इस चीज़ के, खाना बिल्कुल भी ना फेंकाए, उतना ही लो जितना कि खाना है। नेवर टॉक वाइल ईटिंग, खाते वक्त कभी भी बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो खाना अटक जाता है, फंस जाता है गले में, तो इसलिए कभी भी खाना खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए। और ये एक बहुत ही अच्छा टेबल मैनर भी होता है, सो नेवर टॉक वाइल ईटिंग। अवॉइड स्पिलिंग फूड ऑन टू द टेबल और चेयर, स्पिलिंग यानी कभी भी गिराना नहीं चाहिए खाना, इतने प्रॉपर तरीके से खाओ कि खाना टेबल चेयर पे या बाहर ना गिरे। डोंट लीव द टेबल अंटिल अदर्स हैव फिनिश्ड, जब तक सब लोगों ने अपना खाना ख़त्म नहीं कर लिया है तब तक टेबल मत छोड़िए, यानी तब तक सबके साथ ही बैठे रहते हैं तो ये एक अच्छी हैबिट होती है। तो ये जितनी भी मैंने अभी आपको बातें बताई ये सब टेबल मैनर्स हैं, यानी अगर आपको ये सब पता है या आप ये सब फॉलो करते हैं तो यू हैव अ वेरी गुड डाइनिंग इटिक्विट, ओके। और जो नहीं करते हैं तो उनको ये करना चाहिए, दीज ऑल आर वेरी गुड हैबिट्स। नाउ क्लास वो, योर बुक अप टू पेज नंबर 72 इज कम्प्लीटेड, कम्प्लीटेड प्रॉपरली एंड सबमिट इट इन स्कूल फॉर चेकिंग। ओके, थैंक यू क्लास।